हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने इसके टाइप्स है, इसके बारे में अपन देख लेंगे और देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, दो संख्याओं को HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती है जिनको अपन नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। देखते हैं, ये बीड में है अपना 0, 1, 2, 3। इसमें जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे संख्या बढ़ती रहेगी और अपन को प्लस इनफाइनाइट तक संख्या मिलेगी। ऐसे ही अपन नेगेटिव साइड में आएंगे तो -1, -2, -3 और माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं मिलेगी। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी होती है अपनी वास्तविक संख्याएं। अब देखेंगे इसमें इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहले अपन देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर और इसको अपन डिनोट करते हैं एन से। अब प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, तो वो संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है वो सारी अपनी होती है प्राकृत संख्याओं के अंदर। बस प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य होता है वो नहीं आता है, ये एक से लगाकर अनंत तक चलती है। सेकेंड टाइप देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अपन W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या में 0 भी ऐड हो जाता है तो 0 से लगाकर अनंत तक की सारी संख्याएं अपनी होती है पूर्ण संख्या। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था, अपना 0 नहीं था। अगर नेचुरल नंबर में अगर अपन 0 भी ऐड कर देंगे तो अपन को पूर्ण संख्या मिल जाएगी। ये चलती है 0, 2 प्लस इनफाइनाइट। तीसरे टाइप्स देखेंगे। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव वाली भी आती है और पॉजिटिव वाली भी आती है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सारी संख्या पूर्णांक होती है। तो देखते थे पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी आ जाती है और प्राकृत संख्या भी आती है। जैसे -11 है, -25 है, 0 है, 5 है, 7 है, 11 है, 15 है, ये सारी अपनी आ गई पूर्णांक के अंदर। तो जो पॉजिटिव साइड वाली संख्याएँ होती है उसको अपन बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और जो नेगेटिव साइड वाली संख्याएँ होती है उसको बोलते हैं अपन ऋणात्मक पूर्णांक। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और इसमें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की सारी संख्याएं कवर हो जाती है। चौथा देखते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ये कि P और Q का HCF 1 होना चाहिए। मतलब P और Q आपस में डिवाइडेबल नहीं होने चाहिए, उन दोनों में सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए। देखते हैं अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं पहले तो परिमेय संख्या को, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है बस 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशंस P एंड Q का HCF 1 होना चाहिए। देखते हैं अपन एक एग्जांपल, जैसे अपन ने ले लिया 3/5, तो 3/5 को अपन ने P/Q की फॉर्म में लिखा है। ये देखो P/Q की फॉर्म में लिखा है जहाँ पे Q की वैल्यू अपन को 5 मिली है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, ये कंडीशन फर्स्ट तो फुलफिल हो रही है अपनी। सेकंड कंडीशन देखते हैं 3 और 5 का HCF 1 होना चाहिए, तो 3 और 5 में 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग जापता भी नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं ये अपनी है परिमेय संख्या।
अगर इसी जगह दूसरी संख्या लेते हैं अपन, जैसे 4/8 ले लिए अपन ने, इसको देखते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं है। इसको भी अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू अपन को 0 नहीं मिल रही है। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं, पी और क्यू का एच सी एफ 1 होना चाहिए। तो क्या 4 और 8 का एच सी एफ 1 है? 4 और 8 में सिर्फ एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग जाता है क्या? यस, 4 और 8 में 4 का भी भाग जाता है। अगर अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको, इस तरह की संख्याओं को अपन बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। यहाँ पे 4/8 तो अपन को जो संख्या मिली है ये है अपनी तुल्य परिमेय संख्या। और अगर इसी जगह अगर अपन लिखते 1/2 तो वो होती है अपनी परिमेय संख्या। ठीक है, फिर देखते हैं अपन अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वो होती है अपनी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या में अपन ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति का होता है। मतलब जैसे इसका किसी का दशमलव प्रसार ले लिया मैंने 7.564543210, तो ये दशमलव प्रसार कभी भी वापस रिपीट नहीं होएगा, ये संख्या आगे से आगे चलती रहेगी। तो इस तरह की संख्याएँ आती है अपनी अपरिमेय संख्या के अंदर। ज़्यादातर अभाज्य संख्या का वर्गमूल लेते है तो वो अपनी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, √2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, अगर मैंने इसका वर्गमूल ले लिया तो ये अपनी हो गई अपरिमेय संख्या। √2 है, √5 है, √7 है, ये सारी है अपनी अपरिमेय संख्या। एक और है पाई, 22/7, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कभी भी, मैंने 4 संख्या तक के ले रखा है, इसका जो दशमलव प्रसार है ये कभी भी वापस रिपीट नहीं होता है। इसका जितना दशमलव प्रसार आप लिखते रहोगे वापस संख्या, ये वाली संख्या अपन को रिपीट में कभी नहीं मिलेगी। एक दशमलव प्रसार ऐसा होता है जैसे 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.3333, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3.3 की बार, मतलब ये 3 है ये अपना वापस रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह की संख्या तो होती है अपनी परिमेय संख्या। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें दशमलव प्रसार कभी भी वापस रिपीट नहीं होता है तो वो होती है अपरिमेय संख्या। एक और देखते हैं, जैसे 7.10100100, ऐसे ऐसे जैसे अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 की संख्या बढ़ती रहेगी। तो इस तरह का जिसका दशमलव प्रसार होता है, ये जैसे पाई है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल है, तो ये अपन को सब अपरिमेय संख्याएँ होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपन 2 संख्याओं का एच सी एफ आसानी से निकाल सकते हैं। एच सी एफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को आपस में डिवाइड कर सके। हेडिंग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से ए और बी अपने धनात्मक पूर्णांक हैं। और ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ए में मैं बी का भाग देती हूँ तो ये भाग क्यू बढ़ जाएगा और आर बचेगा उसका शेषफल। ए को जब बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू बार भाग जाता है और आर बचता है उसका शेषफल। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, भाज्य जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो होता है अपना भाजक, जितनी बार भाग जाता है वो होता है अपना भागफल, और जितना रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं अपन शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से ए को अपन ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये करेंगे तो अपन को वापस भाज्य मिल जाएगा। अब देख रहे हैं दूसरी कंडीशन ये होती है कि आर की वैल्यू है ये 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा बी से छोटी होगी।
जो अपना शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा ही मिलता है। जब अपन को शेषफल अपन को जीरो मिलता है तो उस टाइम जो अपना भाजक होता है वही होता है अपना HCF। देखते हैं एक एग्जांपल। इसमें 10 और 4 का अपन को HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे A हो गया 10, B हो गया 4। 10 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ A की वैल्यू है अपनी 10, B की वैल्यू है 4, Q की वैल्यू है 2 और रिमाइंडर है अपना 2। जब अपना रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस टाइम जो अपना बी होता है वही होता है HCF। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसमें ये 4 अपन इधर ले आएंगे और इसमें भाग देंगे। 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बढ़ जाएगा, शेषफल बचा 0। अब यहाँ पे अपन को रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इस टाइम जो मेरा बी होता है वही होता है मेरा HCF। इसको इस प्रमेय के हिसाब से लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2 × 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस टाइम जो अपना बी होता है वही होता है HCF। तो 10 व 4 का HCF 2 मिला, मतलब 2 वह संख्या है जिससे मैं 10 को भी डिवाइड कर सकती हूँ और 4 को भी डिवाइड कर सकती हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिससे मैं 10 को डिवाइड कर सकती हूँ, 4 को डिवाइड कर सकती हूँ। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे बुक्स के एग्जांपल। तो बुक का एग्जांपल है फर्स्ट 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब अपन को यूक्लिड विभाजन एल्गो का यूज़ करके 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पे 12576 बड़ी संख्या है तो वो हो गया अपना A, और जो छोटी संख्या होती है वो होती है अपने B। तो यहाँ पे छोटी संख्या है 4052। अब A में B का भाग देंगे और जब अपना रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस टाइम जो अपना B होता है वही होता है अपना HCF। अब 12576 में 4052 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 4 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से लिखेंगे। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है यहाँ पे अपना 12576, बी है जिसका भाग दे रहे हैं 4052, जितनी बार भाग जा रहा है वो होता है क्यू, और रिमाइंडर मिला अपन को 420। अब ये 4052 यहाँ पे आ जाएगा। अब 420 का भाग देंगे अपन 4052 में तो ये जाएगा 9 बार। इसको वापस ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो 4052 इज इक्वल टू 420 × 9 प्लस 272। अब ये अपना 420 यहाँ पे A बन जाएगा। इसको वापस लिखेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो 420 इज इक्वल टू 272 × 1 प्लस 148। अब ये 272 यहाँ पे A बन जाएगा। दो सौ बहत्तर इज इक्वल टू 148 × 1 प्लस 124।
अब यहाँ पे 148 अपना ए बन जाएगा। इसको वापस लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब यहाँ पे 124 अपना ए बनेगा। एक सौ चौबीस को वापस इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अब यहाँ पे ये 24 इधर आ जाएगा। यहाँ पे अपन को रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया। जब अपन को रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है उस टाइम जो अपना बी होता है वही होता है एच सी एफ। तो यहाँ पे बी की वैल्यू मिली है अपन को 4, तो यहाँ पे ए व बी का एच सी एफ अपन को मिला है 4। अतः 12576 व 4052 का एच सी एफ 4 है। फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट, सेकंड देखते हैं। सही, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब अपन को बताना है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक है तो अपन उसको 2q लिखेंगे और धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसको 2q प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन, ये अपन को प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू 2q धनात्मक सम पूर्णांक है और ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपन देखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2q, 2q इसमें भी कॉमन है और 2q इसमें भी कॉमन है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको अपन लिखते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, और यहाँ पे इसको अपन इससे कंपेयर कराते हैं तो बी की वैल्यू अपन को मिलती है 2। अब अपन जानते हैं आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा बी से छोटी होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू अपन को मिलती है 0 और 1, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है, मतलब आर की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू 2 ली अपन ने, एक तो ली है 0, एक ली है अपने 1। तो देखते हैं अपने केस फर्स्ट, जब आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तब क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0 इज इक्वल टू 2q। यहाँ मिलता है अपन को ए इज इक्वल टू 2q। अब दो अपनी एक सम संख्या है, क्यू और एक पूर्णांक है। किसी भी सम संख्या को कोई भी पूर्णांक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को हमेशा सम संख्या मिलेगी। अगर क्यू यहाँ पे विषम है तो भी अपन को सम मिलेगी और क्यू सम है तो भी सम मिलेगी। देखते हैं, जैसे दो को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 विषम संख्या है पर अपन को आंसर मिलता है 6 जो कि एक सम संख्या है। और अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो 4 मेरी सम संख्या है और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो आंसर मिलता है 8। तो आंसर मिलता है सम संख्या। तो दो संख्या को मैं किसी भी पूर्णांक से अगर गुणा करूँगी तो मुझे हमेशा सम संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2q धनात्मक सम पूर्णांक है।
चूंकि दो सम संख्या है वह क्यू एक पूर्णांक है, इसलिए ए इज इक्वल टू टू क्यू हमेशा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। केस सेकंड देखते हैं। अब आर की वैल्यू वन लिख के देखते हैं, तो ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन। अब टू क्यू तो अपन को यहीं से मिल गई, धनात्मक सम पूर्णांक है, मतलब ये सम संख्या है। अब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा अपन को विषम संख्या मिलती है। देखते हैं, जैसे आठ, आठ मेरी सम संख्या है, इसमें मैंने विषम संख्या जोड़ दी पाँच, तो अपन को मिलता है तेरह। तेरह क्या है? तेरह अपनी विषम संख्या है। किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमेशा अपन को विषम संख्या मिलती है। चूंकि 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है एवं एक विषम संख्या है, इसलिए 2q प्लस वन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि a इज इक्वल टू 2q धनात्मक सम पूर्णांक और a इज इक्वल टू 2q प्लस वन धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस वन या 4q प्लस थ्री के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अपन को दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस वन और 4q प्लस थ्री के रूप का होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जब अपन इसको इससे कंपेयर करेंगे तो अपन देखेंगे 4q दोनों में कॉमन आ रहा है, 4q इसमें भी आ रहा है, 4q इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से अपन को b की वैल्यू मिलेगी चार। और अपन जानते हैं r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है, जीरो और जीरो के बराबर, और जीरो से बड़ी हो सकती है, और b से हमेशा छोटी मिलेगी। तो अपन को r की वैल्यू क्या मिलेगी? r की वैल्यू मिलेगी अपन को चार से छोटी, मतलब r की वैल्यू ज़ीरो वन टू थ्री। अब इसमें भी अपन केस बना के देखेंगे। केस फर्स्ट, जब r की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, r की वैल्यू इसमें ज़ीरो पुट करने पर a इज इक्वल टू फोर क्यू मिलेगा। अब चार यहाँ पे अपनी सम संख्या है और q एक पूर्णांक है। किसी भी सम संख्या को कोई भी पूर्णांक से गुणा कराएंगे तो अपन को जो आंसर मिलेगा वो हमेशा अपन को सम पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पे a अपना है धनात्मक सम पूर्णांक, चूँकि चार सम संख्या है एवं q एक पूर्णांक है, इसलिए 4q सम पूर्णांक होगा। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं। r की वैल्यू वन पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू फोर क्यू प्लस आर की जगह अपन लिख देंगे वन। अब फोर क्यू अपनी सम संख्या है और एक अपनी विषम संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा अपन को विषम संख्या मिलती है।
चूंकि 4q धनात्मक सम संख्या है एवं एक विषम संख्या है, इसलिए 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक मिलेगा। सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर विषम संख्या मिलेगी, तो 4q प्लस 1 अपना हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। केस 3, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r की जगह अपन लिखेंगे प्लस 2। अब 4q अपनी सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पर हमेशा अपन को सम संख्या मिलती है, तो यहाँ पे a 4q प्लस 2 अपना क्या हुआ, धनात्मक सम पूर्णांक। तीन केस हो गए इसमें, अब देखेंगे अपन थ्री के लिए। थ्री के लिए अपन यहाँ देख लेते हैं केस 4, आर की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ए इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब 4q अपनी सम संख्या है और 3 विषम संख्या है, सम और विषम हमेशा विषम होते हैं, यहाँ पे भी यही हुआ था 4q प्लस 1, 4q सम संख्या और एक विषम संख्या, सम और विषम आपस में विषम मिलते हैं। चार केस देख लिए अपन ने, ए इज इक्वल्स टू 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, तो अपन को 4q और 4q प्लस 2 दोनों में अपन को मिलता है धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, और धनात्मक विषम पूर्णांक अपन को मिलता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में। अतः सिद्ध होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है, वह इसकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो अपन को यहाँ पे 420 व 130 का HCF निकालना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपन 420 व 130 का HCF निकालेंगे। a इज इक्वल टू 420, जो संख्या बड़ी होती है वो a होती है और जो संख्या छोटी होती है उसको अपन b लेते हैं। a में जब b का भाग देते हैं 3 बार जाएगा। अब इसको a इज इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे, तो 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। जब अपना रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस टाइम जो b होता है वो होता है अपना HCF, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर अपन को 30 मिला है, तो यहाँ पे ये b है, ये यहाँ पे a बन जाएगा, ये 130 यहाँ पे आ जाएगा। तो 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अब यहाँ पे ये b वापस अपने यहाँ पे a बन जाएगा, यहाँ पे अपन को रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जब रिमाइंडर 0 होता है उस टाइम जो अपना b होता है वही HCF होता है। तो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, तो 420 व 130 का
HCF 10 है, मतलब 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 420 से भी डिवाइड हो जाएगी और 130 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक।